भारतीय राजनीति में दल बदलना एक आम सी बात हो गई है। आए दिन ये चर्चा में रहता है और खासकर तब जब चुनाव पास में आने वाले हों। आयाराम गयाराम की संस्कृति जो 1960 के दशक में शुरू हुई थी, उस पर नियंत्रण कसने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। क्या ये कानून वाकई में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? क्यों आखिर इस कानून के बावजूद दल बदलने पर लगाम नहीं कसी जा रही है? क्या ये कानून विफल हो चुका है? बहुत से सवाल ऐसे मन में आपके भी आते होंगे। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये दल बदल विरोधी कानून है क्या और क्यों इस पर इतना ज़्यादा विवाद होता है। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आपको याद होगा पिछले बरस मणिपुर में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते श्यामा कुमार, जो भाजपा में शामिल हो गए थे और फिर मंत्री बन गए थे, और उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए कांग्रेस नेताओं ने स्पीकर से आग्रह किया था, लेकिन स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया था। कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिर कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा स्पीकर से कहा कि वो श्यामा कुमार को अयोग्य ठहराने की याचिका पर 4 हफ्ते में फैसला ले। कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और न केवल मणिपुर के वन मंत्री टी श्यामा कुमार को पद से हटा दिया, बल्कि विधानसभा में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। यानी पिछले साल भी ये मुद्दा चर्चा में था। इस साल पुडुचेरी का घटनाक्रम आपने देख लिया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर विधानसभा का कोई सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य पाया गया तो विधानसभा के बाकी बचे कार्यकाल तक वो मंत्री नहीं बनाया जा सकता, भले ही वो विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नामित किया गया हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें दल बदल विरोधी कानून के तहत भाजपा के विधायक एएच विश्वनाथ की अयोग्यता मई 2021 तक जारी रहने की बात कही गई थी। यानी बहुत से केसेस इधर इन दिनों हमें देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं आखिर ये दल बदल विरोधी कानून है क्या। देखिए, साल 1985 में संसद ने ये कानून पारित किया था और 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें वो प्रक्रिया है जिसके आधार पर विधायकों या सांसदों को दल बदल करने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। साल 2002 में संविधान संशोधन 91 के द्वारा इसे और कठोर बनाया गया। अब ये होता कैसे है, यानी ठहराएंगे कैसे आप अयोग्य? या तो सांसद विधायक यदि अपनी स्वेच्छा से पार्टी से त्यागपत्र दे दे, या मतदान में पार्टी नेतृत्व के निर्देश का वो पालन ना करे, यानी जब मत देने जाए तो पार्टी लाइन से इतर वो मत दे दे और ये पता चल जाए, तब उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे निर्दलीय सदस्य जो राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाएं, यानी कोई निर्दलीय चुनाव जीतकर आता है और वो बाद में राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए, तब भी उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। इसके अलावा वे तमाम नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी नामित सदस्य जो किसी पार्टी के नहीं हैं, और अगर वो 6 महीने के भीतर किसी पार्टी में शामिल हो जाएं तो उन्हें इसकी इजाज़त है, लेकिन यदि वो 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें भी निर्दलीय की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी उन्हें भी अयोग्य करार कर दिया जाएगा। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, उन्हें समझिए। सदन का जो अध्यक्ष होगा या सभापति होगा वो अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे सकता है और अपना पद छोड़कर फिर से पार्टी में शामिल भी हो सकता है, यानी स्पीकर के लिए ये अपवाद है। इसके अलावा एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय भी हो सकता है यदि उस पार्टी के कम से कम 2/3 चुने हुए प्रतिनिधि विलय के लिए मतदान करें। तो ये कुछ अपवाद हैं। अब सवाल है कि ये निर्णय लेगा कौन कि फलां व्यक्ति, फलां सांसद या विधायक अयोग्य है या नहीं। तो इसका निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को है, यानी अध्यक्ष और सभापति दल बदल पर अंतिम निर्णय लेने के अधिकारी हैं। हालांकि शुरुआत में इसे आप किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन 1992 के केहोतो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट अध्यक्ष की सुनवाई के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन पीड़ित अध्यक्ष के निर्णय के बाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी अब अध्यक्ष या सभापति के अंतिम निर्णय पर अपील कोर्ट में की जा सकती है। अब बात करते हैं कि इसको लेकर चिंताएं क्या क्या हैं। देखिए,
एमपी और एमएलए की व्यक्तिगत स्वतंत्रता इससे प्रभावित होती है। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, आपको पार्टी लाइन के हिसाब से काम करना पड़ता है, और अगर आप उससे बाहर जाके मतदान करते हैं तो आपको योग्य करार दे दिया जाएगा, तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो बाधित होती है। ऐसे में कई सदस्य सदन के विचार विमर्श के बाद अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन ये कानून पार्टी लाइन से हटने के विरोध में है। दूसरा, विविधता भरे देश में सदस्य अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उन्हें अपने क्षेत्र के अनुसार आवाज उठाने का हक मिलना चाहिए। लेकिन आप चूंकि एक पार्टी की लाइन से बंधे हुए हैं, उसके विचार से बंधे हुए हैं, तो आप वो आवाज भी उतने जोर से नहीं उठा सकते। तीसरा, सदस्य सीट खोने के डर से केवल पार्टी की कठपुतली बनते जा रहे हैं, ये आपने तमाम अब तक के केसेस में देखा होगा। तो ये कुछ चिंताएं हैं। सवाल ये भी है, क्या इस कानून के आ जाने के बाद क्या दल बदल बंद हो गया है या अभी भी उसी तरह से चालू है? तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस कानून का गलत उपयोग भी किया जा रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट को आकर ये कहना पड़ जाए कि स्पीकर जल्द से जल्द इस विषय में निर्णय ले, तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून और हमारी राजनीति कहां पर खड़ी है। अब इसमें आवश्यक परिवर्तन जरूरी है। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि निर्णय की जो शक्ति है वो अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी जानी चाहिए, जो चुनाव आयोग की सलाह पर कार्य करे। ये एक सुझाव था। इसी समिति ने कहा था कि एंटी डिफेक्शन को केवल विश्वास मत, गैर विश्वास मत के दौरान ही लागू करना चाहिए। प्रतिनिधि पार्टी कार्यक्रम के आधार पर चुना जाता है। इस तर्क पर चुनाव पूर्व गठबंधन को दिशा दी जा सकती है। विधि आयोग ने भी ये बात कही थी कि यदि इस प्रकार के गठबंधन चुनाव से पहले हों और चुनाव आयोग को सूचित किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसके लाभ और हानि की भी बात कर लेते हैं। तो लाभ ये है कि यह सरकार को स्थिरता देता है। सदस्य जिस पार्टी मैनिफेस्टो पर जीत कर आते हैं उसे छोड़कर अन्य दल में जाने से उन्हें ये रोकता है। हॉर्स ट्रेडिंग, आया राम गया राम संस्कृति पर यह अंकुश लगाता है। हानि की बात करें तो सदस्य को जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाने की जगह ये पार्टी के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाता है, जबकि जो सदस्य चुनकर आता है उसे जिम्मेदार होना चाहिए अपनी जनता के प्रति। दूसरा, सदस्य के स्वविवेक को ये नियंत्रित कर देता है। और तीसरा, असहमति के अधिकार को ये बाधित करता है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, आपको मुझे बताना है कि भारतीय संविधान के वो कौन से दो अनुच्छेद हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित हैं, दल बदल कानून से जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों के बारे में मुझे बताइए जो दल बदल कानून से संबंधित हैं। अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं पता तो सर्च करिए और तब लिखिए। ध्येय आईएएस की यह पॉडकास्ट आप ध्येय आईएएस की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये पॉडकास्ट उपलब्ध है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।